अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे सडनली प्लान बना था हमारा यहाँ आने का, और ये है जी मनोड़ा बीच, और ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। जो लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं उन्होंने तो देख ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं विज़िट किया वो आइए मेरे साथ चलिए। ये मनोड़ा के बिल्कुल सामने जो है वो होटल्स टाइप के रूम्स बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने यानी कि यहाँ स्टे करना है तो आप आराम से यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और जनाब बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा सा ये बीच है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जाहिर सी बात है इंजॉय करने आते हैं सब। काफ़ी अच्छा था। अब जो है इन्होंने ये जो बैठने की सिटिंग एरिया जो बनाया है वो काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा आप फैमिली यानी कि जिन्होंने पानी में जाना है वो पानी में चल जाएँ, जिन्होंने यानी कि यहाँ बैठना है वो आराम से यहाँ पर व्यू चेक कर लें, काफ़ी अच्छा है। और ज़रूर विज़िट करिएगा। जो लोग कराची में रहते हैं वो तो मोस्टली जा ही चुके होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन जो कराची से बाहर हैं अगर कराची में उनका कभी भी आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, अच्छा लगेगा आपको। एक तो आपको कोई यानी कि हट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये जो हट्स बने हुए हैं सिटिंग एरिया इन्होंने जो बनाया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और आपको जगह जो है वो पूरे दिन के लिए मिल जाती है। और जी बच्चे आपके सामने बच्चे खेलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, और सब कुछ ऊपर से जो है वो सामने नज़र आ रहा होता है बीच पे। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। इसके अलावा यहाँ पे कैमल राइड्स, हॉर्स वगैरह सब कुछ है, वही सारा यानी कि सेम बीच वैसे ही, बस आपको साफ़ सुथरा थोड़ा मिल जाता है। और जी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया। ये छोटा सा व्लॉग जो है मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ, और बताती हूँ कि इधर उधर जाने से यानी कि सी व्यू तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा यानी कि ये डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा दूर है, तो लेकिन आएँ तो एक अच्छी जगह आएँ और अपनी पिकनिक जो है और ज़्यादा अच्छी बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।